आज हॉन्स कर रहा हूँ। कल गया था मैं यहाँ पे, हमारे बिल्कुल घर के पास ही जो था ना मेला लगा हुआ था, तो बस कल मेले पे गया हूँ। ऊपर से मैंने कल लेग्स की हुई है, लेग्स करने के बाद मेले का अचानक प्लान बन गया उधर जाने का। उधर गया हूँ और जाके मैं क्या आपको हालात बताऊँ, टांगों में से तो यूज करके ना जान निकल गई है। खैर वहाँ से आया हूँ, वापस आया हूँ वहाँ के, और बस घर आके और मुझे एक बड़े ही लंबे अरसे के बाद इस तरह की नींद आई है, जिस तरह आपके घर में शादी हो और आप सुबह से काम कर रहे हो, दूल्हे के भाई हो या दूल्हे हो जाओ, दूल्हे बन जाओ, आए मजे, दूल्हे बन जाओ या दूल्हे के भाई बन जाओ, और आप सुबह से लगे हुए हो और काम धंधे कर रहे हो, तो शाम के टाइम आपका जब शाम होगी तो आपके जो हालात होंगे ना कि आप बेड पर लेटोगे और आपको पता ही नहीं होगा आपकी दुनिया में, बिल्कुल वो वाला हिसाब था। लेटा हूँ और मुझे नहीं पता मेरा मोबाइल किधर है, वरना थोड़ी देर मैं फ़ोन तो लाजमी यूज़ करता हूँ जो भी है सिस्टम। तो बस एडिटिंग थोड़ी बहुत की, एक वीडियो एडिट की है और डाली है, बाकी फ़ोन को भी रखा है और बस हो गया। सुबह उठा हूँ, उठे और रिकवरी बहुत बेटर तो नहीं हुई थी, लेकिन फिर मैं निकला, मैंने कहा दो दिन का है मेला, एक्चुअली आज भी है, तो कल ज़रा दिन के अंदर मैंने कवर किया था, आज मेरा मूड है कि मैं शाम को जाऊँगा, थोड़ा सा जिस टाइम अंधेरा हो रहा होगा उस टाइम जाऊँगा और जाके उस टाइम देखेंगे वहाँ के। मतलब एक्चुअली सीन में कल वहाँ पे जैसे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, लाहौर में जब मैं कॉन्सर्ट्स वगैरह पे जाता था तो वहाँ पर तो मुझे ज़्यादा सीन तभी मिलता था जब शाम होती थी और स्टेज की लाइटिंग और बैक स्टेज जो प्रॉपर सीन होता है उसका मज़ा आता ही तब जब शाम हो जाता है। तो कल डे में ही रहा हूँ, शाम तक वापस आ गया था, तो आज शाम को जाएंगे। तो बस आज आर्म्स करते हैं, जल्दी जल्दी बाजू ख़त्म करते हैं और ख़त्म करके घर जाके फिर फ्रेश होना है, फ्रेश होके। और आज भी जो है ना फुल टाइम जो सीन है बाबा, आज तो बाजू की भी मैं इसी तरह करूँगा, जो खास होंगी एक्सरसाइज सारी सारी आपके साथ शेयर करूँगा। यही रोप ठीक है, और ये वाला रॉड, इन दोनों, ये ट्राइसेप के लिए हमने दोनों लगानी है। रोप के ऊपर वेट लगाया हुआ है मैंने 10 kg, 10.2 kg, और इसके ऊपर मैंने लगाया हुआ है 14.7 kg, तो 10, 12, 12 रेपिटेशन करते हैं, दोनों को कंबाइन लगाते हैं, ट्राइसेप के ऊपर प्रॉपर जोर देते हैं फील करके, और इसकी एक्यूरेसी के साथ इसको लगाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसका कैसा इफेक्ट आता है। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots, they're too toxic. 12 kg वाला है और 9 kg वाला है। 12 kg पे पहले हम bicep curls करेंगे, साथ में hammer curls करेंगे 10-10, और इसके साथ भी 10-10 बाइसेप कर्ल्स और हैमर कर्ल्स। स्ट्रिक्ट ये होंगे कि बॉडी स्ट्रिक्ट होगी, चेस्ट बाहर होगी और प्रॉपर एंगल के साथ, एंगल आपके सामने होगा, और ये लग जाएँ बड़ी बात है, मैं कोशिश पूरी करूँगा कि मैं लगा लूँ। दिखने में तो ये लग रहा है ना सिर्फ 12 kg है और 9 kg है, जब लगाएंगे तो पता चलेगा। Everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as me.
God is tough, bro. उस रोप पे और उस पे रॉड पे मैंने 5 सेट लगाए हैं और 5 सेट के ऊपर आज उस टाइम ये ट्राइसेप को देख सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपरली इस टाइम पॉप हो चुका है, फुल हो चुका हुआ है, फुल टाइम सिर्फ और सिर्फ किया है। एंगल को समझो और सुकून से लगाओ, ठहराओ। जो नेगेटिव सेट है ना, जब आप रोप को ऊपर लेके जा रहे होते हो तो उस पे आपने अपने ट्राइसेप के ऊपर मैक्सिमम कंट्रोल करके उसको ऊपर लेके यहाँ ला के जो लास्ट पोजीशन है ना, यहाँ तक ना आपने ऊपर चढ़ जाना है ना मोटे ऊपर उठा लेने, इसको पूरे जोर के ऊपर यहाँ तक ला के कंट्रोल्ड आपका बाजू जिसमें हिलना रहा हो, और फिर जब आप उसको नीचे स्क्वीज करेंगे इस तरह के, जब आप 10 से 12 रैप्स लगाएंगे रोप के ऊपर और फिर उसके ऊपर रॉड के ऊपर, मतलब कंबाइन करके दोनों को, तो सूझ जाएगा आपका भाई ट्राइसेप। और यही मेन गेम है, यही करने का मेन मकसद होता है कि आपका जो वाला मसल है वो सोर करे, उसमें पेन हो। ब्रेक डाउन करने के लिए तो जिम में जाते हैं, और यही मेन गेम है। तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला था या तो इस वीक में या इससे अगले वीक में, एक वीक में मैं कार्ब्स कट करूँगा, एक वीक में कार्ब्स ज़्यादा खाऊँगा। तो इस वीक में मैंने फाइनली डिसाइड किया कि इस वीक में मैं थोड़े से कार्ब्स ज़्यादा लूँगा एनर्जी बैक करने के लिए, और कार्ब्स की अपना एक मज़ा होता है जब कार्ब्स आप खा रहे होते हो। तो बस ये है कि मुझे इस वीक में थोड़े से एक्स्ट्रा खा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितने पीछे 2-2.5 महीने से कार्ब्स रोके हुए थे उनके अकॉर्डिंग, तो अगर मैं जितने भी ज़्यादा खा लूँ फिर भी कम है, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत थोड़े खाता रहा हूँ। तो बस हो गया वर्कआउट कंप्लीट, तो 4 आर्म्स करके और बस निकलता हूँ, और फिर आज जो कॉन्सर्ट है उस पर जाना है, और उस पर जाके और वहाँ पर फ़न करूँगा। कोशिश करूँगा कि इस चैनल के ऊपर मैं कुछ ना कुछ डाल सकूँ, नहीं तो मैं दूसरे चैनल के ऊपर इस तरह के जितने भी ट्रैवल ब्लॉग्स होते हैं और जो कुछ भी होता है सारा का सारा मैं दूसरे अपने चैनल पर डालता हूँ। पहले भी मैंने 1-2 बार आपको इसी की सारी डिटेल बताई थी। तो अभी तक के लिए अपना ख्याल रखें। लव यू गाइस, सी यू, टेक केयर ऑफ यू सेल्फ, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, बाय बाय।